एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट के पोस्ट गेट का एक और केस कि क्या करना है चाहिए आपको। जो आज हम केस डिस्कस करेंगे कि आपने अगर गेट क्वालिफाई नहीं किया और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है प्राइवेट जॉब्स में फिलहाल करने का, प्राइवेट जॉब्स मतलब स्मॉल कंपनीज में, तो आपका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा पढ़ाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको फिर से गेट लिखना पड़ेगा। अगर आप कब चाहते हैं कि आपको गेट लिखना है, नहीं चाहते गेट लिखना, तो फिर जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि आपने गेट लिखा, आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया और आप आगे पढ़ना भी चाहते हैं गेट के लिए, तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे कंपनीज में अप्लाई करना है, मैंने आपको बताया था। आज मैं बता रहा हूं कि आप चाहते हो गेट देना, आपको उसके लिए करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो अब कैसे पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन लोग पढ़ा रहे हैं, लोग ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हो और आप कोचिंग ले रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन मत लो, आप ऑफलाइन जाओ, आप क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करो। क्योंकि ऑनलाइन में मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं खुद एक गेट फैकल्टी हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया बच्चे जो है कुछ दिन आते हैं फिर कुछ दिन नहीं आते हैं, कि वो कंफर्ट जोन में होते हैं, घर पे ऐसे लेट कर तकिए लाकर वो आराम से वीडियो देखते हैं, तो वैसे पढ़ाई नहीं होता। आपको पढ़ाई पढ़ने के लिए आप अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो आपको उस पोजीशन में चाहिए टू एक्सेप्ट इट, राइट, आपको एक्सेप्टिंग का पोजीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेटे हुए हैं, आप कंफर्ट है, तो ऐसे नहीं, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वैसे सिचुएशन हो सकता है कुछ लोग ऐसा ना करते हो, लेकिन एक महीने में बाद फिर वैसा आ जाता है धीरे धीरे। तो अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो ऑफलाइन का वो टाइम फिक्स है, आपको क्लासरूम में जाना ही जाना है, सुबह 6 बजे 8 बजे जो भी आपका क्लास टाइम होगा, उस टाइम पे आप क्लास में बैठे, आप टीचर के सामने बैठे, आपने पढ़ाई किया, तो आपका जो फोकस है वो अटेंशन है काफी अच्छा होगा, काफी जबरदस्त होगा, और आप चीजों को लिखेंगे अच्छे से और आप पढ़ेंगे। तो आप एक बात को ध्यान रख लीजिए कि आप लेंगे तो आप हमेशा ऑफलाइन कोचिंग ही, अगर आप सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर ऑफलाइन कोचिंग लेंगे, और आप क्लासेस जो है आप अभी से ही, ऐसा नहीं कि हम 4 महीने आराम करके पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपका गेट नहीं निकला, आप चाहते हो गेट निकालना, अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। कोचिंग जो है ऑफलाइन स्टार्ट हो गया है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के, आप जाओ वहां पे जाके पढ़ाई करो, डेडिकेशन दो, 6 घंटे क्लास चलते हैं स्टार्टिंग में, और आप लेट ज्वाइन करते हो कोई भी कोचिंग में तो 10-10 घंटे 12-12 घंटे के भेजते हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ गेट स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूँ, तो मैं जो बता रहा हूँ फील किया था, मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, तो मेरे को वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पढ़ाते थे कोचिंग में, 8 घंटे तो कोई 10 घंटे पढ़ाते थे। तो अब पहले स्टार्ट कर गए तो हमने क्यों लेट ज्वाइन किया था, जो हमारा जो सेमेस्टर था वो लेट था, जो हमारा जो मिड टर्म एग्जाम ही खत्म हुआ था हमारा अगस्त में, तो मैं कब ज्वाइन करूँगा, तो मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, तो हमारे पास टाइम होता, तो हमारे क्लासेस 8-10 घंटे चलते थे, तो भी हमने अच्छा रैंक ला कर हमने जॉब भी लिया, एमटेक भी किया, प्राइवेट जॉब भी किया, ठीक है, उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, पहले आप उसे जाकर देख सकते हो। तो हाँ, जो हमारा टॉपिक था उस पर बात करते हैं, तो अगर आपको पढ़ना तो आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएं, एडमिशन लें और पढ़ना चालू करें। 6 घंटे पढ़ाई होती है स्टार्टिंग में, पढ़ने के बाद घर पर आए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, कुछ खाए, ठीक है, उसके बाद फिर से आप पढ़ने बैठ जाइए, और जो पढ़ाई हो चुका है उसी को रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे नोट्स धस उठा लिए, बहुत सारे बुक्स उठा लिए, ऐसे नहीं, आपको टारगेटेड पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको फोकस होना पड़ेगा एकदम, हाँ आपका ये एरिया है, आपको ज़्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप पहले जाकर टीचर से पूछेंगे, टीचर आपको बताएंगे कि हाँ कि सर ये है, आप उससे पूछिए, उनसे बात कीजिए जाकर टीचर से कि हाँ सर ये हमें समझ नहीं है, आप जो बताइए वो बता देंगे, फ्री भी नहीं होता क्लियर, तो आप किसी रेफरेंस बुक से जो फैकल्टी होगा वो आप रेफर करते हैं एक रेफरेंस बुक, उसको आप रखें अपने पास, उनसे वो टॉपिक को मिला लें और उनसे पढ़ लें, और आपको रिवीजन करते रहना है। इसी तरह आप फॉलो करते जाएंगे स्टार्टिंग में, चल स्टार्टिंग प्रोसेस को, उसका जब आप गेट बोल रहा हूँ, जब आपका जो एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जैसे मैंने मान के चला हूँ कि आप अगर ब्रांच इलेक्ट्रिकल है और आपने स्टार्ट किया अभी नेटवर्क थ्योरी से कोचिंग में,
तो अगर आपका नेटवर्क कंप्लीट हो गया, आपने रिवाइज भी कर रखा, तो आप क्या करना है, खत्म होते ही आपको टेस्ट देना है, लास्ट में नहीं देना है, अभी देना है टेस्ट देना है, और आपको बिना किसी हेल्प का टेस्ट देना है, और आपको एनालाइज करना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए, कुछ मिस्टेक्स होंगे उसमें, पहला बार में कोई परफेक्ट नहीं होता है, तो आपने उस चीज को लिखा अपने कॉपी में, एक सेपरेट नोटबुक में आपने लिखा कि हाँ हमने ये मिस्टेक्स किए, कैलकुलेशन में चुका तो आपकी बहुत ही ये सीरियस प्रॉब्लम है, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, हाँ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है तो आप करेक्ट करो, कैलकुलेशन मिस्टेक है वो भी सही हो जाएगा, प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, उसकी चिंता करते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे वो भी सही हो जाएगा, तो उन सब चीज़ को आप लिखो कि हाँ मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक किया, हमारे कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा सॉल्व द टाइम, अगर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर मेरे कॉन्सेप्ट लैक कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप लिखें अलग कॉपी में या नोटबुक में, और उसको फिर से रिवाइज करें, और फिर से रिवाइज करके आप फिर से टेस्ट दें, और उसके बाद जो पहले आपने मिस्टेक्स किया वो आपको रिपीट नहीं करना है, होता है तो फिर से आप उसको रिवाइज करें, और इस तरह से आप मल्टीपल टाइम्स आप टेस्ट दोगे, कम से कम एक सब्जेक्ट का मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 टेस्ट दो अच्छे से रिवाइज करके, पढ़ा टेस्ट दिया फिर रिवाइज किया फिर टेस्ट दिया फिर रिवाइज किया जो मिस्टेक्स थे फिर टेस्ट दिया, एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आपके पास टाइम अभी काफी ज्यादा है, आप 3 से 4 टेस्ट दे सकते हो, जो ऐसा आपका कैपेसिटी है, मैं एवरेज बता रहा हूँ ठीक है, अगर आप लगता ज्यादा तो ज्यादा दे सकते हो, बट और एवरेज आप 3 से 4 टेस्ट आप एक सब्जेक्ट का स्टार्टिंग में दो, और उससे आप फिर आप नोट्स बनाओ, एक मिनी नोट्स, ये तब आप नोट्स बनाओ, तब वो नोट्स बनाने में मजा आएगा, और वो नोट्स काफी क्रिस्प होगा, और काफी कम टाइम में आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो, उस नोट्स को रख सकते हो और वो देख सकते हो क्विक रिविजन के लिए, हालांकि आपका जो कॉपी है वो सफिशियंट है, उसी से आपको चाहिए करना, बट एक नोट समझ दो लास्ट मोमेंट पे कभी आपको रिवाइज करना हो तो एक बार देखे तो आपको रिवाइज हो गया, कि कोई सपोज कोई पी एस यू का एग्जाम आ रहा है या कोई स्मॉल गवर्नमेंट एग्जाम्स आ रही है, तो उसके लिए वो काफी बेनिफिशियल होता है कम टाइम में, फोकस तो मेनली आपका न्यूमेरिकल पे रहना चाहिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है रेट का पर्सपेक्टिव है, तो फिर उसके बाद फिर सेकेंड सब्जेक्ट शुरू होगा, उसमें भी आपको वैसे ही करना है, आपको फिर से रिवाइज करना है सेम डे, और एक जो साइकिल होता है वो फॉलो करना चाहिए, जो साइकिल होता है जैसे 1-7 मतलब जिस दिन आपने पढ़ा टॉपिक को उस दिन आपको रिवाइज करना है सेम डे, अगले दिन फिर रिवाइज करना है आपको, और फिर आपको 7 दिन के बाद फिर रिवाइज करना है, फिर आपको उसको फिर से एक बार देखना है 15 दिन के बाद, फिर से उसको आपको देखना है 1 महीने के बाद, फिर से उसको देखना है 6 महीने के बाद, वो एक प्रोसेस आपके माइंड में चलता रहेगा, उसको देखते रहेंगे सही रहेगा, आपने उसको रख दिया साइड में किसी बुक सेल्फ पे छोड़ दिया तो वो पढ़ा रहेगा, कॉन्सेप्ट भी वहीं पढ़ा रहेगा, ये कॉन्सेप्ट को चाहिए आपको यहाँ पर, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ठीक है, उसका एक इमेज आपके पास होना चाहिए दिमाग में, ये इसका एक इमेज है, तो मैं अगर मोटा मोटी बात करूँ बात बताऊं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप कितना भी आप वीडियो देख लोगे दूसरे को कि कैसे पढ़ना है वो एट द एंड आपको पढ़ना पड़ेगा, ये वीडियो बस आपको एक डायरेक्शन देता था कि पढ़ना आप ही को पड़ेगा, तो आप अभी जल्दी शुरू करेंगे, एक इंग्लिश में कोटेशन भी है कि अर्ली बिगिन इज हाफ वे डन, आपने जल्दी शुरुआत करी तो आपने समझ लिया कि आपने आधा बैटल जीत लिया है, तो आप अभी शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका गेट में अच्छा रैंक आएगा, और अच्छा रैंक आता तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, आप मास्टर्स जा सकते हो, आप पी एस यू तो खैर आजकल कम मिलते हैं, पर ठीक है अगर आपको उसे थोड़ा सा रैंक और बिलो 500 या 200 रैंक चाहिए होगा तो एक चांसेस पॉसिबिलिटी बनती है पी एस यू की, बट मास्टर्स के बाद भी काफ़ी स्कोप है अच्छे कॉलेज में, टॉप IIT या NIT से किया तो एक स्कोप आपको बनता है, MTech के बाद भी मैंने देखा है मैं जो हमारे जो फ्रेंड्स थे या वो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स में उन्होंने कंपनीज में लिया, जिनके पैकेज 1.5 लाख 1.5, हालांकि पैकेज हाई होता है बट इन हैंड सैलरी की बता रहा हूँ तो 1.5 से लेके आप जहाँ जा सकते हो, लेकिन अगर किसी का सैलरी 50 लाख भी है तो इन हैंड वही आपका 1.5 के आसपास ही मिलता है, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है,
इसमें एम्प्लॉयज को जो वर्क करते हैं उनको शेयर्स मिल जाती कंपनी की कुछ, तो बहुत सारी चीजें होते हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कैसा क्या है, जो भी आपका इच्छा हो कमेंट करें। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय।